एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुषी एंड फैमिली। माय नेम इज शिवानी। और सावन का महीना चल रहा है, मॉनसून चल रहा है। कभी तो बारिश हो जाती है, बड़ा अच्छा सा मौसम हो जाता है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा चिपचिप और ह्यूमिडिटी वाला मौसम हो रहा है हमारे यहाँ। तो आपके यहाँ पे कैसा मौसम है प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सावन का मौसम जो है वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है हिंदूज़ के लिए, क्योंकि कावड़ जो लेने जाते हैं लोग जिन जो इसको मानते हैं, और सावन के सोमवार का व्रत रखना भी एक बहुत ज़्यादा अहम होता है। जो कुंवारी लड़कियां होती हैं उनको कहा जाता है सावन के सोमवार का व्रत रखने के लिए, ताकि उनको अच्छा जीवन साथी मिल सके, भगवान शिव भगवान उनसे खुश हो जाएं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, राखी आती है सावन के मौसम में, तीज आती है, तो बहुत अच्छा अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं सावन में। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ रिगार्डिंग द व्रत। अगर आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से व्रत रख रहे हैं, चाहे वो सावन के सोमवार हो या फिर नॉर्मल डेज में भी हम डिफरेंट टाइप ऑफ व्रत रखते हैं, जैसे मंडे का व्रत रखते हैं हम शिव जी के लिए, मंगल का व्रत रखते हैं, लड़के लोग भी रखते हैं जो हनुमान जी का व्रत होता है आई थिंक, और वेडनेसडे का भी होता है, थर्सडे का शायद साईं बाबा का होता है, फ्राइडे का होता है, फ्राइडे का संतोषी माँ का और लक्ष्मी माता का होता है, सैटरडे आई डोंट नो, संडे का भी होता है। तो ये मतलब अलग अलग लोग अलग अलग जिस चीज़ को मानते हैं उस हिसाब से व्रत रखते हैं। हिंदूज कम्युनिटी के अलावा भी जैसे कि मुस्लिम्स हो गए, वो रोज़े रखते हैं, वो तो बिल्कुल बिना खाए पिए रखते हैं। बाकी इसके अलावा करवा चौथ का हम लोग व्रत रखते हैं, जिसमें कि बिना खाना पिया खाए पूरा दिन हम भूखे रहते हैं। तो अलग अलग रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत सारे व्रत रखते हैं, हमारे यहाँ पे इसकी मान्यता है। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कोई व्रत रख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आपकी चॉइस सही आप रखना चाहते हैं तो। लेकिन कुछ लोग ये सोच के व्रत रखते हैं कि मेरी हेल्थ के लिए, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है व्रत रखना कभी कभार, या फिर हमारा वेट कम हो जाएगा, हम पतले हो जाएंगे, या फिर व्रत को मैं छोड़ भी दूं तो नॉर्मली भी लोग जो वेट कम करना चाहते हैं वो सोचते हैं कि मैं अगर खाना कट कर दूंगा या कर दूंगी, या मैं पूरे दिन भूखा रहूंगा, या सिर्फ एक टाइम का खाना खाऊंगा, एक टाइम स्किप कर दूंगा तो मैं पतला हो जाऊंगा। मैं आपको आज ये धारणा आपकी तोड़ना चाहती हूँ, ये मिथ है, इसमें ऐसी कोई सच्चाई नहीं है। उल्टा अगर आप सारा दिन भूखे रहते हैं तो आपका वजन उल्टा कम होने के बजाय बढ़ सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। क्या रीजन होते हैं, क्या कारण है, मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में एक्सप्लेन करना चाहूंगी यहाँ पे। तो क्या होता है कि जब हम बहुत टाइम तक भूखे रहते हैं, जैसे कि व्रत में भी हम काफ़ी घंटों तक कुछ खाते पीते नहीं हैं, और पानी तो फिर भी पी लेते हैं, भूखे रहते हैं अगर हम, तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में इंसुलिन की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि जब हम कई घंटों तक भूखे रहने के बाद खाना खाएंगे तो हमारी जो बॉडी की एक भूख की डिमांड होती है वो बहुत बढ़ चुकी होती है, और इंसुलिन जो होता है वो काफ़ी बढ़ चुका होता है। तो जब आप खाना खाने बैठेंगे काफ़ी घंटों बाद, तो हो सकता है आप ना चाहते हुए भी ओवर ईटिंग कर लें। जी हाँ, और क्योंकि बॉडी में इंसुलिन बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से हमारा शरीर और ज़्यादा कैलोरी अब्जॉर्ब करता है। देखिए, आपके शरीर में आपकी कितनी चर्बी है, मोटापा है, वो सारा खेल कैलोरीज का ही होता है कि आप कितनी कैलोरी अब्जॉर्ब कर रहे हैं और कितनी बर्न कर रहे हैं। यही जो एक्स्ट्रा कैलोरीज आप लेते हैं, यही मोटापे के रूप में, चर्बी के रूप में आपके शरीर में जम जाती है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कैलोरीज का ध्यान रखें अगर आप पतले होना चाहते हैं, तो बजाय इसके कि आप बहुत सारा सारा दिन भूखा रहें, आप सही खाना खाइए। और क्योंकि आप घंटों तक भूखे रहे हैं काफ़ी टाइम तक, तो मैंने जैसे कहा कि इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है आपकी बॉडी में, और आपकी बॉडी उल्टा और ज़्यादा, नॉर्मली जितना कैलोरी अब्जॉर्ब करती है उससे और ज़्यादा कैलोरीज की डिमांड होती है, और ज़्यादा आप कैलोरी अब्जॉर्ब करते हो, और जिसकी वजह से आप पतले होने के बजाय उल्टा आप मोटे हो जाओगे। और व्रत रखने वाले लोग जो इस पॉइंट ऑफ व्यू से व्रत रखते हैं कि हम पतले हो जाएंगे, फिर वो सोचते हैं कि हमारा वज़न कम क्यों नहीं हो रहा, और किसी किसी केस में तो उल्टा नॉर्मल वज़न उनका नॉर्मल है उससे बढ़ जाता है, तो उल्टा और उन्हें स्ट्रेस हो जाता है। क्योंकि आप अगर अगर वेट कम करना चाहते हैं तो आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। मैंने कैसे वेट कम करना है, घर बैठे बैठे बिना जिम जाए, बिना किसी बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करें आप कैसे वज़न कम कर सकते हैं, मैंने उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो उसे जाके देखिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कर होगा आपके लिए। मैं इस वीडियो के एंड में उस वीडियो का लिंक आपको दे दूंगी। इसके साथ ही अगर आपको वज़न बढ़ाना है
तो भी आपको उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी। फिटनेस और हेल्थ से रिलेटेड मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है अपने चैनल पर, उस पूरी प्लेलिस्ट का मैं आपको लिंक दे दूंगी इस वीडियो के एंड में, आप उसे जाके चेक कर सकते हैं, तो आपके लिए उस वो फायदा करेगा। व्रत रखने से अगर आप पतले हो जाएंगे ऐसा आप सोचते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। इसके अलावा मैं आपको कुछ टिप देने चाहूंगी यहाँ पे कि अगर आप व्रत रख रहे हैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अगर बहुत ज़्यादा ऑब्लिगेशन नहीं है, जैसे कि रोज़ा में तो एक होता ही है कि आपको खाना नहीं खाना है और पानी भी नहीं पीना है, सेम वे जो हमारा करवा चौथ का व्रत होता है या अहोई अष्टमी का जो व्रत होता है जो फीमेल्स रखती हैं अपने बच्चों के लिए, उसमें भी यही होता है कि आपको खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है, आपको सारा टाइम भूखा ही रहना है। तो इस ऐसी कोई ऑब्लिगेशन है तो अलग बात है, लेकिन अगर आप नॉर्मली व्रत रखते हैं तो प्लीज़ आप ऐसा मत करिए कि बहुत घंटों तक आप बिल्कुल ही खाना पीना खाए रहें। प्लीज़ आप अगर लिक्विड ले सकते हैं तो लिक्विड लेते रहिए, कुछ हल्का फुल्का थोड़ी थोड़ी देर में खाते रहिए। अन्न आप नहीं खा सकते, जो भी व्रत में अलाउड चीजें हैं आप वो थोड़ी थोड़ी देर में लेते रहिए, जिससे कि आपका बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो ठीक से रहे, जो इंसुलिन है वो कंट्रोल में रहे, तो जिससे आपकी हेल्थ को कोई नुकसान ना हो। आप जो भी आपका रिलीजियस व्यू है उसको भी ध्यान में रखिए, साथ में अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए, ऐसा ना हो कि आप अपनी हेल्थ उस चीज में बिगाड़ लें। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप दोनों चीजों को बैलेंस करके चलें। इसके साथ साथ अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट रखते हैं तो आपको एसिडिटी और गैस जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, तो आपको उनका भी चीज़ों का भी ध्यान ज़रूर रखना है। तो ये था मेरा कुछ व्यू इस चीज़ पे कि कुछ लोगों को अगर वो गलत चीज़ कर रहे हैं तो उनको कुछ पता चल जाए। अदरवाइज़ आप अगर व्रत रख रहे हैं मंडे के तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना जो जो लोग व्रत रख रहे हैं, और आप किस तरह का व्रत रख रहे हैं, आप कुछ खा रहे हैं या नहीं, या फिर निर्जला व्रत भी रखते हैं बहुत सारे लोग। तो मैं हमेशा से रखती आई हूँ, बट पिछले 2-3 सालों से नहीं रख पाई क्योंकि छोटा बच्चा था इस चक्कर में। और आप बताइए आप कैसा, आपका कैसा जा रहा है ये सावन, कैसे आप अगर व्रत रख रहे हैं या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके अपने विचार ज़रूर शेयर करना। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आए दिन अच्छी अच्छी वीडियोज़ आती रहती हैं ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे, आजकल तो मैं डाल रही हूँ। तो अगर आप किसी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब के साथ में एक बेल का आइकन है उसको भी ज़रूर हिट कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिल पाए और आप किसी वीडियो से छूट ना जाए। तो जल्दी से फटाफट से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर भी ज़रूर करो उन लोगों के साथ में जो ऐसी गलत धारणा बनाए बैठे हैं, ताकि उनको कुछ समझ में आए और वो अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ ना करें। और मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।